देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सचिन नेहरू की जयंती पर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ उन्हें नमन करते हुए पंडित राम गोपाल ग्रामोदय सरस्वती बाल मंदिर बेसड़ी फतेहपुर के नौनिहाल में भाइया बहनों ने प्रेम भाईचारा के साथ सुंदर हृदय स्पर्शी प्रस्तुति देते हुए बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया, जिसमें प्रमुख रूप से मिथिलेश कुमार, अखिलेश कुमार, गुड्डू संध्या, साधना आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन शिव पूजन ने किया। गीतों की प्रस्तुतियां साक्षी, सीमा, रुचि पवन आदि बच्चों ने दी। फतेहपुर से श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर से। आज हम यहां पंडित राम गोपाल ग्रामोदय सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय बसड़ी फतेहपुर में उपस्थित हैं। ये नौनिहाल भैया बहन आप सबके समक्ष हैं। आइए इनके विचारों को लेते हैं कि ये यहां पर इस प्रकार से क्यों उपस्थित हुए हैं, इनके क्या विचार हैं। आइए श्रवण करते हैं इनके विचारों को। भैया जी, आज आप सब लोग इस विद्यालय परिसर पर इस तरीके से कैसे बैठे हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, अपना परिचय देते हुए अपने उद्देश्य को बताने का कष्ट करें, धन्यवाद। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरे विद्यालय का नाम पंडित राम गोपाल ग्रामोदय सरस्वती बाल मंदिर बसड़ी फतेहपुर है। आज चाचा नेहरू की जयंती के अवसर पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको आप श्रवण कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन कुमार जी को, जिसके सुंदर विचार, सुंदर भाव आपने लिया। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पता नहीं कहा लोगों का हुई जात है, काहे खा ले। पकड़ जाओ भाई, ले कमा लियो पानी। वाराणसी में रोहनिया थाना क्षेत्र के गजाधरपुर गांव में पीने वाला पाइप टूट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इस बात की सूचना वहां के गांव वाले ने प्रधान को दी, पर प्रधान के कान पर जू तक नहीं लगा। वाराणसी संजय सिंह की रिपोर्ट। एक मिनट तक ना पानी वाला।
वाराणसी में शिवपुर थाना के सब्जी मंडी स्थित देशी शराब ठेका के सामने तीन लोग के बीच असलहे के लेन देन के दौरान फायरिंग हो गई और गोली लगने से एक गरीब परिवार का 11 वर्षीय बच्चा बाबूलाल घायल हो गया। इस प्रकरण को लेकर शिवपुर थाने में तीन अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस कुछ संदिग्ध गतिविधियों वाले 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती बाबूलाल की हालत सीरियस बताई जा रही है। वाराणसी से संजय सिंह के मुंडी दुखा गोली लग गया, दवाई टूट गया, इसके पहले देखो बेटा बेटा इधर देखो यार मेरे तरफ देखो लड़का हिला मत रखो छर्रा लगा ये वो मांग रहा था वो छटा कुटा कर लग गया होगा वाराणसी में लौता थाना क्षेत्र के पिशोरा पुल पर सामने आमने सामने फायरिंग में क्राइम ब्रांच के सिपाही सुरेंद्र के बाह में गोली लगी। मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम व लौता और शिवपुर की फोर्स मौजूद रही, जिसमें ऋषभ के पास घटनास्थल से एक देसी पिस्टल, 8 कारतूस, एक मोबाइल और एक बाइक बरामद हुआ। साथ में एक बदमाश मौके पर चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद घायल बदमाश ऋषभ व घायल सिपाही सुरेंद्र मौर्य को निजी चिकित्सालय पहुंचाया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वाराणसी संजय सिंह की यहाँ पे कोई इसको नहीं छुएगा, छूना मत यार, देखो छुएगा मत इसको। नहीं नहीं सर, मैं तो चार्जर लाता हूं। हां लिए वाराणसी के पांडेपुर में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, जहाँ छात्रों द्वारा जमकर उत्पाद मचाया गया। छात्रों के उत्पाद मचाने का कारण था कि उनका क्लास अच्छे से नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ के अध्यापकों का वेतन 4 महीने से नहीं मिला है। वीडियो भेजना है भाई, भेज दे। अगर वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे तब बोलना। डीएम साहब को फोन किए थे, बोले देखिए आप लोग का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है और मैं ये कहता हूँ कि अगर सारी चीजें इसी प्रकार हो जाए तो सहयोग नहीं करेंगे। हम लोग को सब 3 महीने से ही हो रहा है ना सर। समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया।